हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑव्यूल। अब देखिए बेटा, हमने कल जायांग की संरचना पढ़ी थी और जायांग की संरचना में हमने देखा था कि जायांग की प्रत्येक इकाई क्या कहला रही थी, स्त्री केसर या अंडक कहला रही थी। और अंडक को हमने तीन भागों में बांटा था, एक वर्तिकाग्र था, दूसरा वर्तिका और तीसरा क्या था, अंडाशय। और हमने कहा था कि इस अंडाशय के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि बीजांडासन से जुड़ी रहती है, जिनको हमने क्या कहा था, बीजांड। और ये ही बीजांड निषेचन के पश्चात बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी बीजांड के आज हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बीजांड जो है उसकी इस तरीके की से स्ट्रक्चर होती है। इस बीजांड के ऊपर कई आवरण पाए जाते हैं। इन आवरणों, ये जो आवरण है ये बीजांड की क्या करते हैं, सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। यदि बीजांड के ऊपर एक आवरण उपस्थित है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक अध्यावरणी कहेंगे। यदि बीजांड के ऊपर दो आवरण उपस्थित है तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वि अध्यावरणी कहेंगे। और यदि बीजांड के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण उपस्थित नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, अध्यावरणी। यानी कि इसका जो बाह्य आवरण होता है वो तो क्या कहलाएगा, बाह्य अध्यावरण कहलाएगा। और अंतः आवरण जो है वो इसका क्या कहलाता है, अंतः अध्यावरण कहलाता है। तो अध्यावरण की उपस्थिति के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के, एक अध्यावरणी, द्वि अध्यावरणी या अध्यावरणी। इसके बाद देखिए बेटा, बीजांड का जो ये मुख्य भाग है ये इसका क्या कहलाता है, बीजांड का या न्यूक्सिलस कहलाता है। और ये किससे मिलकर के बना होता है, मृदुतक कोशिकाओं से। अब यहाँ पर बीजांड का जो आधार भाग है, यानी कि ये आधार भाग हो गया इसका, तो इसके आधार भाग जो ये मृदुतक कोशिकाओं से बना हुआ था, इस आधार भाग को हम क्या कहते हैं, बीजांड का या न्यूक्सिलस। क्या कहेंगे इसको, बीजांड का या न्यूक्सिलस। और इस बीजांड काय के मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित है, इसे हमने क्या कहा था, बीजांड काय कह रहे हैं। अब इस बीजांड काय के जो आधारी भाग है उसको हम क्या कहेंगे, निभाग। क्या कहेंगे उसको, निभाग कहेंगे। और निभाग के जस्ट विपरीत जो भाग है, यानी कि ये निभाग था, तो इसके निभाग के विपरीत वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। क्या कहलाएगा ये, बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार में से पराग नलिका इसके अंदर क्या करेगी, प्रवेश करती है। और इस भाग के ऊपर किसी भी प्रकार के आवरण का क्या, अध्यावरण का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ना तो बाह्य अध्यावरण है ना ही यहाँ पे अंत अध्यावरण है, बल्कि एक पतली नलिका के समान संरचना का निर्माण कर लिया इन्होंने। तो ये जो छिद्र के समान संरचना है वो इसकी क्या कहलाती है, बीजांड द्वार। इसके बाद में आप इसके अंदर एक थैली के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम कहेंगे भ्रूण कोश। क्या कहते हैं इसको, भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश में निभाग की तरफ तीन कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है आपको, एक दो और तीन। तो ये तीन कोशिकाओं का जो समूह है, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, या फिर इन्हें कहते हैं हम एंटीपोडल सेल्स। नीचे भी आपको तीन कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है, दो कोशिकाएं छोटी हैं, एक कोशिका बड़ी है। तो इनमें से जो दो छोटी कोशिकाएं, इन्हें हम क्या कहेंगे, सहायक कोशिका, या इन्हें हम सिनर्जिड सेल भी कहते हैं। और इनके ऊपर जो बड़ी कोशिकाएं दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहेंगे इसको, अंड कोशिका। और ये ही अंड कोशिका बाद में मादा युग्मक का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जो नर युग्मक था वो इससे आकर के क्या करेगा, संलयन करेगा। तो अंड कोशिका किसका कार्य कर रही है, यहाँ पे मादा युग्मक का। इसके बाद में यहाँ बीच में एक द्विगुणी, ये जितनी भी कोशिकाएं ये सारी कैसी है, अगुणित है। जो बीजांड काय की कोशिकाएं थी ये भी द्विगुणित थी, बाकी के जो भ्रूण कोश के अंदर जो कोशिकाएं ये कैसी है, अगुणित है। लेकिन बीच में जो आपको ये कोशिका, बड़ी जो कोशिका दिखाई दे रही है, इसे हम द्वितीयक केंद्र कहते हैं। इसका निर्माण दो ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप हुआ है। तो दो ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप हुआ है, इसलिए ये संरचना कैसे हो जाएगी, द्विगुणित। यानी कि मध्य में एक बड़ी कोशिका पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्र। तो इस तरीके से हमने बीजांड की जो संरचना है उसका यहाँ पर क्या किया है, अध्ययन किया है। इसके बाद बीजांड का वह भाग जो कि बीजांड काय से जुड़ा हुआ रहता है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंथ कहते हैं। और बीजांड ग्रंथ का वह भाग जिससे कि बीजांड जुड़ा हुआ है, भाई ये बीजांड ग्रंथ आगे जाकर के किससे जुड़ेगा, प्लेसेंटा से जुड़ेगा। लेकिन बीजांड ग्रंथ का भी वह भाग जिससे कि बीजांड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आकर के इससे बीजांड जुड़ता है, तो ये भाग इसका क्या कहलाएगा, नाभिका या हाइलम कहलाएगा। तो एक बार हम इसकी संरचना देख लेते हैं कि आवर्त बीजी पादपों में बीजांड की संरचना जटिल होती है, एक परिपक्व बीजांड गोलाकार आकृति का होता है। बीजांड प्राय एक या दो आवरणों से घिरा रहता है जिन्हें अध्यावरण कहते हैं।
ये अध्यावरण बीजांड को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का क्या करते हैं कार्य। बाह्य आवरण बाह्य अध्यावरण कहलाता है, जबकि आंतरिक आवरण क्या कहलाता है, अंतः अध्यावरण। बीजांड पर यदि एक आवरण उपस्थित है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक अध्यावरणी। बीजांड पर यदि दो आवरण उपस्थित है तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वि अध्यावरणी। बीजांड पर यदि आवरण अनुपस्थित है तो उसको हम क्या कहेंगे, ए अध्यावरणी। इसके बाद बीजांड का मुख्य भाग क्या कहला रहा था, बीजांड का या न्यूसिलस कहला रहा था, जो किससे बना हुआ है, मृदुतक कोशिकाओं से। बीजांड काय का आधारीय भाग निभाग कहलाता है, और निभाग का विपरीत भाग पर एक छिद्र के समान संरचना पाई जा रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। यहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया जाता और पतली नलिका के समान यहाँ पर क्या हो जाता है, एक संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है।